Hello everyone, now we will study skeletal connective tissue. Connective tissue तीन चीज के बने हुए होते हैं, cell, fiber and matrix. Matrix may be solid, liquid या फिर gel type का होता है. इसमें पाए जाने वाला matrix solid के जैसा होता है और इसका main function होता है body and organ को protection देना and support देना. इसके फंक्शन को हम लोग और अच्छे से समझेंगे जब इसके दो टाइप को हम लोग डिस्कस करेंगे. तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू का दो टाइप है, बोन एंड कार्टिलेज. सबसे पहले हम लोग बोन को डिस्कस करते हैं. जब भी आप अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को, जैसे हाथ को या फिर पैर को जोर से प्रेस करोगे तो यू कैन फील अ हार्ड मटेरियल इनसाइड इट. और ये जो हार्ड मटेरियल है यही है बोन. यहाँ पे मैंने बोन के ट्रांसवर्स सेक्शन को ड्रॉ किया है जिसको कि हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे. इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, बस थोड़ा समझने का जरूरत है. ये एक बोन है. अगर हम बोन को यहाँ से पतला सेक्शन काट करके स्लाइड में सजा दें तो ये इस टाइप का दिखेगा. बीच में एक हॉलो स्पेस होता है जिसके अंदर बोन मैरो पाया जाता है और इसके चारों तरफ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि हम लोग ऑस्टियोन बोलते हैं. यहाँ पे एक ऑस्टियोन को मैंने ड्रॉ किया है. ऑस्टियोन के बीचों बीच एक कैनल होता है जिसके अंदर नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स होते हैं. इसको हैवर्सियन कैनल कहते हैं. इस कैनल के चारों तरफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको कि हम लोग कंसेंट्रिक लैमेली कहते हैं. इस रिंग के अंदर कुछ कैविटीज होते हैं जिसको कि लैक्यूनी कहते हैं और उस लैक्यूनी में बोन सेल्स पाए जाते हैं जिसको ऑस्टियोसाइट कहते हैं. ये बोन सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं कैनालिक्यूली से. बोन्स के अंदर तीन टाइप का सेल पाया जाता है, एक ऑस्टियोसाइट, एक ऑस्टियोब्लास्ट एंड एक ऑस्टियोक्लास्ट. तो ऑस्टियोन में ऑस्टियोसाइट पाया जाता है, पेरिफेरी और इनर साइड में ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट पाया जाता है. नाउ सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोन. अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स को किसी भी जगह से मूव कराना चाहें तो वो नहीं मूव होता है, वो सिर्फ जॉइंट के पास से ही मूव हो सकता है. अगर हम इसको यहां से मूव कराना चाहें तो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि बोन नॉन फ्लेक्सिबल होता है. बोन इसलिए हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स है वो हार्ड एंड रिजिड होता है और ये मैट्रिक्स बना होता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के कंपाउंड में. इस मैट्रिक्स में तीन टाइप के सेल एम्बेडेड रहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट. नाउ फंक्शन ऑफ बोन. हमारे बॉडी के सभी बोन को जोड़ करके स्केलेटन बनता है और यही स्केलेटन हमारे बॉडी का फ्रेमवर्क होता है, दैट इज हमारे बॉडी का ढांचा होता है. इसी की वजह से हमारे बॉडी को शेप मिलता है एंड हमारे बॉडी को सपोर्ट भी मिलता है. मान लो कि अगर हमारे बॉडी से सभी बोन्स को निकाल दिया जाए तो क्या हमारे बॉडी का शेप कैसा होगा और क्या हम इस तरह से खड़े रह पाएंगे? ना तो हमारे बॉडी को कोई शेप मिलेगा और ना ही हमारे बॉडी को कोई सपोर्ट मिलेगा. ये बोन हमारे बॉडी के अंदर जो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जो वाइटल ऑर्गन्स है, उनको भी ये प्रोटेक्ट करके रखता है. एज फॉर एग्जाम्पल ब्रेन, हमारा जो ब्रेन है वो स्कल के अंदर सेफ रहता है. हमारा जो हर्ट है, हमारा जो लंग्स है, वो भी हमारा रिब्स के अंदर सेफ रहता है एंड प्रोटेक्टेड रहता है. और ये बोन क्या करता है, चूंकि इसका मैट्रिक्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट का बना हुआ होता है तो ये कैल्शियम एंड फॉस्फेट को स्टोर भी करता है. अब हम पढ़ेंगे कार्टिलेज. कार्टिलेज का मैट्रिक्स शुगर का बना हुआ होता है एंड प्रोटीन का बना हुआ होता है. ये रबर के जैसा होता है. इसका मतलब ये सॉलिड तो होता है पर फ्लेक्सिबल होता है. कार्टिलेज अपने मैट्रिक्स की वजह से ही बेंड हो सकता है पर स्ट्रेच नहीं हो सकता. मैट्रिक्स में दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक कॉन्ड्रियोब्लास्ट एंड दूसरा कॉन्ड्रियोसाइट. कॉन्ड्रियोसाइट जिस कैविटी में पाया जाता है उसको हम लोग लैक्यूनी कहते हैं. ये कार्टिलेज पाया जाता है हमारे एयर पिन्ना में, हमारे नोज टिप पे, हमारे ट्रैकिया में जिसको कि हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं एंड हमारे लैरिंग्स में जिसको कि हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं.
और पाया जाता है हमारे लॉन्ग बोन के टिप पे, दैट इज हेड पे भी ये कार्टिलेज पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन है सपोर्ट देना एंड जॉइंट के पास में बोन के सरफेस को स्मूथ बनाने का काम करता है। अगर सरफेस रफ होगा तो क्या होगा, मूवमेंट इजी नहीं हो सकेगा। स्मूथ सरफेस पे मूवमेंट इजी होता है। सो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ा। इसका मैट्रिक्स सॉलिड होता है और इसमें दो तरह के टिश्यू पाए जाते हैं, वन इज बोन एंड अनदर वन इज कार्टिलेज। बोन सॉलिड होता है, रिजिड होता है, इसका मैट्रिक्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड का बना हुआ होता है। इसमें तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। इसका मेन फंक्शन होता है बॉडी को फ्रेमवर्क देना, बॉडी को शेप देना, बॉडी को सपोर्ट करना और हमारे बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना। सेकेंड टाइप ऑफ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज। कार्टिलेज रबर के जैसा होता है, दैट मीन्स ये सॉलिड होता है बट फ्लेक्सिबल होता है। इसको हम बेंड कर सकते हैं बट स्ट्रेच नहीं कर सकते। इसमें दो तरह के सेल पाए जाते हैं, दैट इज कॉन्ड्रियोब्लास्ट एंड कॉन्ड्रियोसाइट, जो कि लैक्यूना में पाया जाता है। कार्टिलेज पाया जाता है हमारे ईयर पिन्ना में, हमारे नोज टिप पे, हमारे ट्रैकिया पे, हमारे लैरिंग्स में एंड लॉन्ग बोन्स के एंड पे। इसका मेन फंक्शन है सपोर्ट देना एंड बोन्स को जॉइंट के पास में स्मूथ बनाना। यहाँ पे हमारा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू।